हेलो, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल आशीष सर। आज SIP टू सक्सेस के D6 की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है। SIP टू सक्सेस, जैसा कि मैंने आपको पिछले 5 वीडियो में बताया कि SIP टू सक्सेस क्या है, ये डेली टारगेट्स मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ, जिसमें अगर ये डेली टारगेट्स आप डेली बेसिस पे करते हो तो जिस तरीके से बूंद बूंद से घड़ा बनता है, उसी तरीके से आपका डेली टारगेट से आपका पोर्शन टाइमली कवर होने वाला है। और उम्मीद करता हूँ कि आप ये डेली टारगेट्स को डेली बेसिस पर सीरियस तरीके से कर रहे होंगे, ठीक है। इट इज़ एन इनिशिएटिव टेकन बाय मी आशीष सर, डे 26 दिसंबर 2019, ठीक है। फर्स्ट सब्जेक्ट की तरफ जाते हैं। आज मैं आपको टोटल 4 क्वेश्चंस देने वाला हूँ। उसी के सबसे पहला क्वेश्चन है आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स गवर्नमेंट। सेकंड क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। थर्ड क्वेश्चन है आपका हेनरी फॉयल के Pi 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। एंड फोर्थ क्वेश्चन है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ये 4 क्वेश्चन आज के लिए उसी के लिए, और ये 4 क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन है, इसको आप आराम से कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है हेनरी फॉयल का 14 प्रिंसिपल। अगर ये 14 प्रिंसिपल आपको याद है तो आपको उसी में क्वेश्चन में किसी भी तरीके का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब सेकेंड सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स की तरफ आते हैं। इकोनॉमिक्स में आपके टोटल, ठीक है, 4 क्वेश्चंस देने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें पहला मैं आज पूछने वाला फंक्शंस, ठीक है। ये फंक्शंस के जो क्वेश्चंस है आपको टोटल 8 मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं, या मनी या एंटरप्रेनर के क्वेश्चन अगर आपको पूछे जाएंगे तो ये 4 मार्क के क्वेश्चंस होंगे। लेकिन अगर सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक का हैगा तो वो 8 मार्क के क्वेश्चंस के लिए आता है, या ये एग्री डिसएग्री में आपको इनडायरेक्ट तरीके से पूछा जाएगा, ठीक है। तो 4 आज के लिए 4 क्वेश्चंस क्या है आपके, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, मनी एंड एंटरप्रेनर के फंक्शंस, ठीक है। आई होप आपको समझा होगा। अब आते हैं थर्ड सब्जेक्ट की तरफ, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, ठीक है, SP की तरफ आते हैं। SP में आज मैं आपको टोटल 6 गिव रीजन देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। 6 गिव रीजन, ये 6 गिव रीजन ऐसे जिसमें से अगर एक या दो गिव रीजन भी अगर आपके एग्जाम्स में आ जाते हैं तो आपको 10 मार्क का तो झोल हो ही जाएगा, ठीक है। यस, रियली झोल हो जाएगा भाई, अगर आप इस डेली टारगेट को डेली बेसिस पे सीरियस तरीके से कर रहे हो तो। सबसे पहले आपको क्वेश्चन क्या करना है, रिटेन्ड प्रॉफिट इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फिनेंसिंग। यस माय डियर्स, इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फिनेंसिंग। सेकंड आ जाइए, राइट शेयर्स आर इश्यू टू द जनरल पब्लिक। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ द फिनेंशियल मैनेजमेंट। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आ जाइए, देयर इज अ नो प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, इट इज नॉट पॉसिबल टू गो अहेड विदाउट फिनेंशियल प्लान। एंड द लास्ट वन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेबी आर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। ये 6 क्वेश्चन आए हो, आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर शेयर कर सकते हैं, वो कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने नोट डाउन नहीं किया तो आप इसको, इस वीडियो को पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है भैया, रिविजन करना, ठीक है। डेली टारगेट्स को डेली कम्प्लीट करने की कोशिश आप कीजिए, वरना बोलना नहीं। अब चिड़िया बोलते हैं ना, वो कहावत है हिंदी की, अब चिड़िया का आप पछतावे का हो जो चिड़िया चुगल खेत, वैसे हाल होगा। नहीं तो डेली टारगेट्स को आपको डेली बेसिस पे करना ही पड़ेगा। अब आ जाइए फोर्थ सब्जेक्ट की तरफ, अकाउंट्स। अकाउंट्स में फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 3 और 4, ठीक है। उसके बाद बिल ऑफ एक्सचेंज का, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कल मैंने आपको कहा था बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट करके रखिए और जर्नल एंट्रीज करके रखिए। उसका मेन रीज़न यह था, आज बिल ऑफ एक्सचेंज की स्टार्ट होने जा रही है, उसके ऊपर आपको मैं कह देता हूँ कि बिल ऑफ एक्सचेंज का कोई भी सम आप टेक्स्ट बुक से न कीजिए, ठीक है। वापस बोल रहा, आप टेक्स्ट बुक से किसी भी तरीके के बिल ऑफ एक्सचेंज के क्वेश्चन प्रैक्टिस मत कीजिए, क्योंकि वो थोड़े से क्वेश्चन कन्फ्यूजन में है, कन्फ्यूजिंग है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज के जो क्वेश्चन है वो बोर्ड के पैटर्न में जिस तरीके से आते हैं वैसे ही क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपका मोरल बूस्ट होगा, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आने वाला है। तो आज के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज के 2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, मार्च 2014 और मार्च 2015 के, ठीक है। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का इलस्ट्रेशन नंबर 4 और 5, ठीक है। ये इतने क्वेश्चंस आज आपके लिए अकाउंट्स के लिए दे रहा हूँ। मैथ्स 1 की तरफ बढ़ता हूँ, आज के लिए भैया बहुत कम काम दे रहा हूँ मैथ्स 1 वालों के लिए, मैथ्स के सब्जेक्ट स्टूडेंट्स के लिए बहुत कम काम दे रहा हूँ। सबसे पहले इनको करना क्या है, रिवाइज द फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन एंड द बेसिक सम्स। यस, डिफरेंशिएशन के आप बेसिक सम्स को आज कर लीजिए, और जो भी बेसिक सम्स है और उसके जितने भी फॉर्मूलाज है आज के लिए वही टारगेट है आपका, ठीक है। मैथ्स 2 की तरफ आते हैं, कल मैंने 7.4 तक का क्वेश्चन दिया था, आज आ जाइए 7.5 पे आ जाइए। 7.5 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर
10, ठीक है, 1, 4, 6, 9, 10, 7.6 में तीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 7, 2, 3, 7, मिसेलिनस का क्वेश्चन एक्सरसाइज, मिसेलिनस 7A का क्वेश्चन नंबर 3, 8, 5, ठीक है, 3, 8, 5, 8 के अंदर भी थर्ड क्वेश्चन है, फिर 9 एंड 12, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 12, एंड मिसेलिनस 7B के अंदर, मिसेलिनस क्वेश्चन 7B के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 एंड 5। आई होप आप लोगों ने जितने भी क्वेश्चन है उसको नोट डाउन कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर आपको ये वीडियो सच में यूजफुल लग रही है, SIP सीरीज़ आपको बहुत अच्छी लग रही है, तो आप कमेंट सेक्शन पे आप अपने कमेंट छोड़ सकते हैं। किसी भी तरीके की डाउट आती है, तकलीफ आती है, तो वो भी आप कर सकते हैं। और आप लोगों के लिए एक न्यू ईयर का सरप्राइज़ भी मैंने प्लान करके रखा हुआ है, उसके लिए आपको ये चैनल पर बना रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट सीरीज़ और लेकर आने वाला, ये टारगेट्स कंप्लीट होने के साथ साथ, ठीक है। इसमें मैं कुछ आने वाले वीडियोस में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने की भी कोशिश करूंगा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी आपके डेली टारगेट्स तो चलते रहेंगे और साथ ही साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने की भी कोशिश करूंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ठीक है, थैंक यू।